मैं वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में दोनों में पंजाब का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और पंजाब का स्ट्रांगेस्ट मैन हूँ। नेशनल लेवल पे पाकिस्तान को गोल्ड जीत चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं विकास अफजल भट्टी, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ और गुजरात की तरफ से इस वक्त स्पोर्ट्स पे गुजरात लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, पंजाब लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को गोल्ड जीत चुका हूँ और इंटरनेशनल लेवल पे मास रेसलिंग के वर्ल्ड कप में मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके आया था और मैं माशाल्लाह पहली दफ़ा गया हूँ और मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं स्टार्टिंग तो बॉडी बिल्डिंग से की थी, उसके बाद मैंने कोई वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी है, कोई 2-3 साल कैरियर वेट लिफ्टिंग के साथ मैं पावर लिफ्टिंग भी की है और मेरे पास गुजरात लेवल पर बॉडी बिल्डिंग के टाइटल्स हैं। उसके बाद अगर आप देखा जाए तो मैं वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में दोनों में पंजाब का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और पंजाब का स्ट्रांगेस्ट मैन हूँ। फिर उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने ट्रायल दिए और मुझे मौका मिला कि मैं मुझे मास रेसलिंग की जो है पाकिस्तान फेडरेशन में उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे ट्रायल लिया और वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट किया और मुझे उज़्बेकिस्तान खेलने भेजा पाकिस्तान की टीम में और मैं उधर गया हूँ, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर रिसेंटली मैं अभी आके मास रेसलिंग की नेशनल चैम्पियनशिप, उसमें मैंने अभी रिसेंट नेशनल चैम्पियन हुआ हूँ तकरीबन 2 मंथ पहले। मैं पेशे के लिहाज से बेसिकली मजदूर ही करता हूँ, काम वगैरह करता हूँ, छोटी सी दुकान है उस पर होता हूँ, तो मेरे इतने ज़्यादा जो है वो अब नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल चला गया, खर्चे ज़्यादा हो गया है क्योंकि अगर आपने अदर कंट्री जाना है तो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा। छोटे लेवल पे तो मैं तैयारी करके, नेशनल लेवल पे तो मैंने किसी से सपोर्ट नहीं मांगी, ना मैं कभी मांगता हूँ, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर मैंने जाना है, टीम को रिप्रजेंट करना है, तो मुझे एक्सपेंसिव भी ज़्यादा और तैयारी के लिए मुझे जो है वो ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। मेरा नेक्स्ट टूर इस वक्त ब्राज़ील में मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, ब्राज़ील में आर्नल्ड क्लासिक मास रेसलिंग चैम्पियनशिप है तो उसके लिए मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, उसमें खेलने जा रहा हूँ। एक दो टूर हो रहा है नेक्स्ट में, उनमें भी सेलेक्ट हो चुका हूँ, वो इंशाल्लाह इस टूर पे डिपेंड कर रहा है कि मैं कोशिश करूँ, मेरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड चैम्पियन बनाऊँ गुजरात की तरफ से, यानी कि गुजरात का बेटा जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करे। अभी तक मैं कोशिश ही कर रहा हूँ लेकिन मुझे सपोर्ट कोई नहीं मिल रही, मैं अपने बलबूते पे ही जा रहा हूँ, मेरे दोस्तों की मेरे साथ सपोर्ट है, मेरे जो कुलीग्स हैं, मेरे घर वाले मुझे बड़ा बैकअप कर रहे हैं मुझे सपोर्ट, लेकिन अगर देखा जाए तो मैंने नेशनल चैम्पियन होने के बाद ये सोच लिया था कि अब कैरियर क्लोज कर दूँ क्योंकि आगे जाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मेरे घर वालों ने कहा कि अल्लाह करम करेगा, आप कोशिश करो, मेहनत करो। मेरे दोस्त मेरे पीछे चट्टान बन के खड़े हो गए, उन्होंने मुझे कहा नहीं तू जाएगा, कोशिश करो, मेहनत करो, हम कुछ भी हुआ आपको आगे लेके जाएंगे। हुकूमती लेवल पे तो मेरे साथ किसी ने कोई तावन नहीं किया, मैं डीसी साहब के पास भी गया हूँ तो उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के पास भेजा है तो उन्होंने मुझसे माजरत कर लिया। 2 दफ़ा गया हूँ कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल वर्ल्ड कप पे स्टेज 3 पे, गुजरात के लिए भी खुशी का बायस है, लेकिन उन्होंने 2 दफ़ा मुझसे माजरत कर ली और मुझे जो है वो कोई सपोर्ट नहीं की। बाकी सियासतदानों के लिहाज से देखा जाए तो मुझे हाजी नासिर साहब, उन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट किया है और सलीम सरवर जोड़ा साहब है, उन्होंने पर्सनली सपोर्ट किया, हुकूमती लेवल पर मुझे सपोर्ट नहीं किया। हाजी नासिर साहब ने भी मुझे सपोर्ट किया है तो मैं उन दोनों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे साथ तावन किया। तो मज़ीद जो है वो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सिटी के सियासतदान हैं MLA MP है वो कोशिश करें कि मुझे इस टूर में सपोर्ट करें और मैं आगे जाऊँ। खबर पर पहली नजर सिर्फ चनाब न्यूज़ पर।